जवान 2 बनने वाली है और उसके एंडिंग सीन का क्या मतलब है, चलिए जानते हैं। तो फिल्म की एंडिंग में विजय सेतुपति के कैरेक्टर को मारने के बाद कुछ मंथ्स बाद एक फॉरेन लोकेशन में आजाद की पूरी टीम हमें एंजॉय करते हुए नजर आती है और तभी ही संजय दत्त के कैरेक्टर माधवन नायक अचानक से वहां पर आते हैं और गन पॉइंट करते हैं आजाद के ऊपर। लेकिन हमको पता चलता है कि असल में संजय दत्त आजाद के सीनियर है और आजाद के मिशन में वो पहले से ही शामिल थे और उसकी टीम का हिस्सा थे और आजाद ने नायक के साथ मिलकर सारी प्लानिंग की थी, मेट्रो से लेकर हॉस्पिटल वाले सीन तक और वोटिंग मशीन वाले सीन तक सबकी प्लानिंग इन दोनों ने मिलकर की थी और संजय दत्त बस एक्टिंग कर रहे थे नेगोशिएटर बनने का। उसके बाद संजय दत्त आजाद को एक नए मिशन पे भेजते हैं और एक हार्ड डिस्क या फिर एनवेलप देते हैं जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन होता है और ये मिशन जो है वो स्विस बैंक के ऊपर होता है। तो आजाद और विक्रम का नया मिशन जो है वो ब्लैक मनी के ऊपर हो सकता है क्योंकि स्विस बैंक में मोस्टली ब्लैक मनी ही होता है। तो ऐसा ही सिमिलर एंडिंग हमें एटली की दूसरी फिल्म थेरी के एंडिंग में भी देखने मिला था, तो उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। फिर संजय दत्त बोलते हैं कि तुम ये मिशन संभालो और मैं फैक्ट्री के लोगों को पैसे पहुंचा दूंगा, यानी जो फैक्ट्री बंद करवा दी थी आजाद ने उसमें जो लोग काम कर रहे थे उनको वो पैसे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचा देगा। फिर संजय दत्त वहां से निकल जाते हैं और आजाद अपने पापा को बुलाते हैं और रेडी हो जाओ बोलते हैं अपने नेक्स्ट मिशन पे जाने के लिए। फिर विक्रम बोलता है ऑल वर्क एंड नो जॉय विल मेक हैंडसम अ डल बॉय। इसके बाद नॉट रमावस्था सॉन्ग पे डांस होता है और इस गाने के आखिरी एंड में हमें किसी को तो सिगार के साथ देखते हैं लेकिन उसका फेस नहीं दिखाया जाता और डिबेट ये है कि तलपति विजय या विक्रम राठौड़ है क्योंकि दूर से देखे तो तलपति विजय लगते हैं लेकिन ये विक्रम राठौड़ ही है। तो ये एंडिंग ओपन एंडेड रखी गई है। अगर एटली और एसआरके चाहे जवान 2 को बनाने के लिए तो एक बेसिक प्लॉट आइडिया उनके पास रेडी हो और जवान 2 बन सकती है, बस एटली और एसआरके दोनों अग्री करने चाहिए तभी ये पॉसिबल होगा। और ऊपर से एटली ने अपनी पिछली फिल्मों में भी ओपन एंडेड एंडिंग रखी हुई है जैसे कि मर्सल और थेरी। मर्सल में तलपति विजय का कैरेक्टर जेल से गायब हो जाता है और अगर एटली अपना यूनिवर्स बनाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट चांस है थेरी फिल्म के साथ ही। और थेरी फिल्म की एंडिंग में तलपति विजय अपने फैमिली के साथ इंडो चाइना बॉर्डर में जम्मू कश्मीर में शिफ्ट हो गए हैं और फिर तलपति विजय ने अपना नाम भी बदल दिया है और धर्मेश्वर रख दिया है। फिर एक कुरियर आता है और उसमें उसके नेक्स्ट मिशन के डिटेल्स होते हैं और वो 10 दिन के लिए उस मिशन पे निकल जाता है, अपनी फैमिली से अलविदा लेता है। तो ऐसे ही सिमिलर एंडिंग हमें जवान में भी देखने मिली है। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि थेरी और जवान का क्रॉसओवर हो सकता है और फिल्म के दोनों एक्टर्स अगर चाहे तो ही ये पॉसिबल हो सकता है। और एटली ने एक इंटरव्यू में भी बोला था कि उनका ड्रीम है कि वो तलपति विजय और एसआरके को एक ही मूवी में कास्ट करे और उस फिल्म को डायरेक्ट करे। तो अगर तलपति विजय का थेरी का कैरेक्टर और जवान का कैरेक्टर एक साथ एक फिल्म में आएंगे तो बॉक्स ऑफिस पे तबाही होने वाली है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद जो मास्क वाला बंदा था चीता के साथ आया था काली के साथ मीटिंग करने के लिए, उसका क्या हुआ हमें फिल्म में बताया नहीं गया है। उसने काली के इलेक्शन कैंपेन के लिए 80% तक का फंडिंग दिया था। उसने करीब 88,736,284,003 दिए थे काली के कैंपेन के लिए। तो उसने अल्टीमेटम भी दिया था कि उसकी कंपनी के पैसों के साथ कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो तेरी खैर नहीं। तो ये बंदा के पैसे तो अभी डूब गए हैं काली के मरने के बाद। तो इतने बड़े अमाउंट को ट्रांसफर करने में शायद से इन्होंने स्विस बैंक का सहारा लिया होगा और वो आदमी अभी शांत तो बैठेगा ही नहीं। इसलिए जवान 2 में हमें ये प्लॉट भी देखने मिल सकता है कि अब जवान एक इंटरनेशनल क्रिमिनल के साथ लड़ेगा, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो जवान 2 बन सकती है, बस एक कंडीशन है कि एटली और एसआरके दोनों एक साथ अग्री करने चाहिए इसकी स्टोरी को वो आगे लेके जाना चाहते हैं या नहीं। और बॉक्स ऑफिस पे तो जवान की सुनामी तो वर्ल्ड वाइड आ ही चुकी है। तो आपका क्या कहना है कि एसआरके को जवान 2 बनानी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट्स में लिख के बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें जवान के बॉक्स ऑफिस अपडेट्स पाने के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए।